नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस यूट्यूब चैनल जयवेद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्राचीन इतिहास प्रारंभ किया और प्राचीन इतिहास में पिछले लेक्चर में हमने शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में चर्चा करी, आज हम महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में। दोस्तों, बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी BC या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भारत जो था 16 महाजनपदों में विभाजित था, या कहा जा सकता है कि भारत में 16 ऐसे राज्य थे बड़े बड़े जिनमें भारत पूरा बटा हुआ था, जिनके केंद्र का प्रमुख राजा होता था और उसका क्षेत्र विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ होता था। तो ऐसे 16 महाजनपदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, ये जो 16 महाजनपद थे ये 6वीं शताब्दी BC के आसपास भारत में थे, और कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। जिस प्रकार जिसे आज की कंडीशन में देखा जाए तो 29 या 28 राज्य है भारत में, उसी प्रकार 6वीं शताब्दी BC मतलब बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी BC के आसपास 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भारत। अगर इन महाजनपदों की हम जानकारी की बात करें कि आखिर इन जनपदों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई, तो ऐसे मुख्य रूप से दो ग्रंथ है जिनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में 16 महाजनपद हुए। तो ये प्रमुख दो ग्रंथ है। फर्स्ट है आगुंतर निकाय। क्या नाम है? आगुंतर निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। आगुंतर निकाय जो कि एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, आगुंतर निकाय एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ था जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में एक समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसके बाद दूसरा है भगवती सूत्र। दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भी पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद हुए। तो आप याद रखिए इन दोनों को, आगुंतर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, महाजनपद का नाम दे देते हैं और उसकी राजधानी या फिर उसका शासक दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसका संबंध किस महाजनपद से। तो आइए हम देखते हैं कि 16 वो कौन कौन से महाजनपद हुए जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते। तो 16 महाजनपद में हम देखेंगे राज्य, उनकी राजधानी और प्रमुख शासक। शासक वैसे नहीं आते हैं बिल्कुल ना के बराबर या बहुत कम आते हैं, राजधानी मुख्य रूप से और उसका नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट अगर राज्य की हम बात करें तो काशी एक महाजनपद था या एक राज्य कह सकते हैं, काशी था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में था। कहां पर था? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में था, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। उसका एक कोई प्रमुख शासक नहीं हुआ मुख्य रूप से, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई शासक नहीं हुआ। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, काशी उत्तर प्रदेश में स्थित था जिसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी हो गई वाराणसी। उसके बाद अगला है मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य जो कि बिहार में था, और ये जो मगध साम्राज्य था ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था या सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो कि धीरे धीरे सभी महाजनपदों पर आक्रमण करके या कुछ संध्या करके सभी पर कब्जा कर लेता, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसकी दो राजधानी हुआ करती थी मगध साम्राज्य की, कभी राजगृह या राजगीर जो बिहार में थी, और पाटलिपुत्र, ये दोनों इसकी राजधानी है मगध बिहार में, जिसकी राजधानी राजगृह या राजगीर या पाटलिपुत्र, तो इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। इसके प्रमुख राजा के बारे में अगर हम बात करें तो अजातशत्रु एक प्रमुख राजा हुआ करता था, बिंबिसार इसका प्रमुख शासक था। तो मगध साम्राज्य बिहार में था, इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र, इसके प्रमुख शासक है अजातशत्रु या बिंबिसार। नंद वंश भी इसमें आता है, हरेक वंश भी आता है, शिशुनाग वंश, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की। उसके बाद तीसरा महाजनपद आता है कौशल। ये जो कौशल महाजनपद है ये भी उत्तर प्रदेश में ही था, इसकी भी दो राजधानी हुआ करती थी कौशल महाजनपद की, एक थी साकेत और दूसरी थी श्रावस्ती। यहां से क्वेश्चन आया आ चुका है कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, तो श्रावस्ती जो राजधानी थी वो कौशल राज्य की थी या कौशल महाजनपद की थी, और साकेत भी इसी की थी, और इसका एक प्रमुख राजा हुआ प्रसेनजीत। कौन हुआ? प्रसेनजीत। तो ये तीन हो गए। अगला है चौथा वत्स। वत्स महाजनपद एक हुआ जो कि वर्तमान यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र में और ग्वालियर में विस्तारित था। वत्स जो महाजनपद था वो इलाहाबाद और ग्वालियर में विस्तारित था, इलाहाबाद प्लस ग्वालियर इसको लिख सकते हैं, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी।
ये भी इम्पोर्टेंट है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कौशाम्बी, जिसका एक प्रमुख राजा था उदयत। क्या था प्रमुख राजा? उदयत। तो वत्स कौशाम्बी राजधानी और उदयत इसका प्रमुख राजा। उसके बाद अगला है चेदी राजवंश। चेदी राजवंश इसको बोल सकते हैं, चेदी महाजनपद, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड और खजुराहो वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है लगा हुआ, खजुराहो ये छतरपुर वाला क्षेत्र जो हमारे मध्य प्रदेश का, इस क्षेत्र में एक चेदी महाजनपद का महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी सोदीमती या शुक्तिमती, सोदीमती या शुक्तिमती से कहा। इसका भी कोई प्रमुख राजा नहीं हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो चेदी इसकी राजधानी सोदी या शुक्तिमती। अगला हुआ कुरु। कुरु जो है वर्तमान मेरठ व दिल्ली वाले क्षेत्र के आसपास विस्तारित था। कुरु महाजनपद मेरठ प्लस दिल्ली के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो ये प्रमुख 6 महाजनपद हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले महाजनपद के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगले महाजनपद की अगर हम बात करें तो अगला जो महाजनपद हुआ है वो पांचाल। ये जो पांचाल है ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था। कहां पर था? उत्तर प्रदेश। और ये जो पांचाल था इसकी राजधानी भी दो थी, एक थी अहिच्छद्र। क्या थी? अहिच्छद्र। दूसरी थी काम्पिल। क्या थी? दूसरी काम्पिल। इसका कोई प्रमुख शासक नहीं हुआ, एग्जाम की दृष्टि से कोई शासक नहीं है, तो आप इसकी बस राजधानी याद रखिए पांचाल, जो कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था और इसकी राजधानी अहिच्छद्र व काम्पिल थी। उसके बाद अगला आता है मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद है ये राजस्थान वाले क्षेत्र में था और इसकी राजधानी थी विराट नगर, जो वर्तमान नाम इसका जयपुर हो गया। तो मत्स्य की राजधानी राजस्थान थी, इसकी राजधानी विराट नगर थी। इसका भी कोई प्रमुख शासक नहीं हुआ। अगला है शूरसेन, जो कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था। इसकी राजधानी हुई मथुरा। शूरसेन महाजनपद जो था इसकी राजधानी हुई मथुरा। अगला है अवंतिका। अवंती जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विस्तारित था। इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। ये दोनों ही हमारे क्षेत्र में उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक प्रमुख राजा हुआ था, ये एग्जाम में आ भी चुका है, चंड प्रद्योत का संबंध किस महाजनपद काल से या किस महाजनपद से? तो चंड प्रद्योत का संबंध अवंती महाजनपद से। और अवंती महाजनपद की दो राजधानियां हुआ करती थी, फर्स्ट थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। अगला महाजनपद हुआ अस्मक। अस्मक की राजधानी थी आंध्र प्रदेश। और ये जो अस्मक महाजनपद था ये सबसे दक्षिणी महाजनपद था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अस्मक महाजनपद। इसको स्टार लगा लीजिए, सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी दो थी, वोतन जिसको प्रतिष्ठान कहते हैं या गोदावरी, वो प्रतिष्ठान या गोदावरी। अस्मक महाजनपद जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में था सबसे दक्षिणी था और इसकी राजधानी वोतन या प्रतिष्ठान और दूसरी राजधानी थी गोदावरी। इसका भी कोई प्रमुख शासक नहीं था। उसके बाद अगला आता है कंबोज। ये जो कंबोज है भारत प्लस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। कंबोज भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी राजपुर या लाजपुर के नाम से थी। क्या थी? राजपुर या लाजपुर। और इसका भी कोई प्रमुख शासक नहीं हुआ। तो कंबोज भारत प्लस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, राजपुर या लाजपुर इसकी राजधानी थी। अगला है वज्जी संघ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी संघ जो बिहार में था इसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और इसका भी कोई प्रमुख राजा नहीं था। अगला है गांधार। ये भी भारत प्लस पाकिस्तान में है गांधार और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की तक्षशिला, गांधार हम आगे पढ़ेंगे गांधार के बारे में। और इसका भी कोई प्रमुख शासक नहीं हुआ, अगर होगा तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो गांधार भारत प्लस पाकिस्तान में था, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। अगला है मल्ल, जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में विस्तारित था। इसकी भी दो राजधानी हुआ करती थी, मल्ल महाजनपद की फर्स्ट थी पावा और दूसरी थी कुशीनगर। पावा और कुशीनगर इसकी दो प्रमुख राजधानी थी। अगला है लास्ट अंग। अंग जो महाजनपद है बिहार वाले क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी इसकी राजधानी? चंपा। और इसका भी कोई प्रमुख शासक नहीं था। तो ये देखिए हमने 16 महाजनपद। यहां से क्वेश्चन राजधानी ही पूछते हैं या क्षेत्र बता देते हैं कि ये महाजनपद किस राज्य में या किस क्षेत्र में विस्तारित था। तो आज का ये जो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने पुराने धर्म जिसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म ये धर्म नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे रखी है, तो वहां से आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद 16 महाजनपद पढ़िए।
कल के लेक्चर में हम मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इतिहास का महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।